सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज के सवालात का जवाब उस वक्त ही दे दिया। किसी ने आज कहना था, इतने फायदे बयान कर रहे हो, इतनी बरकतें, इतने खजाने, इतना करम, मुझे तो मिले ही कुछ नहीं। अगर होता तो मेरे घर भी कोई छींटे होते, सैलाब आता तो मेरी गली में भी आ जाता, कुछ मिलता होता तो मुझे भी मिला होता। मुझे तो कुछ नहीं मिला, मैं कैसे ईद मान जाऊं? मुझे तो कुछ दिया नहीं गया, मैं कैसे ईद तस्लीम कर जाऊं? आज किसी ने यह कहना था, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसी खुतबा मीलाद में ईद का मफहूम समझाते हुए बयान फरमा दिया। तेरी नजर खारजार शब में गुलाब तहरीर कर चुकी थी, उजाड़ नींदों के ख्वाब में इनकलाब तहरीर कर चुकी थी, मेरे जहन के फलक पर जो सवाल चमके तो मैंने देखा, तेरे जमाने की खाक उनके जवाब तहरीर कर चुकी थी। कैसे जवाब दिया? फरमा, मैं हूं बारिश और लोगों के दिल हैं जमीन। जैसे जाहिरी बारिश की जमीन होती है, ऐसे दिलों की जमीन है बारिश मेरी है। फिर फरमा आगे, जमीन तीन किस्म की है। 12 रबी अव्वल शरीफ को जिसके घर पशेमानी हो, परेशानी हो, अंधेरा हो, वो सोचे मेरे कहने पे नहीं, सरकार ने दिल की जमीन की किस्म कौन सी बयान फरमाई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, किस्में तीन हैं जमीन की, जैसे जाहिरी बारिश हो ऐसे मेरी बारिश के लिहाज से भी किस्में तीन हैं। पहली किस्म कौन सी है? कानत मिनहा ताइफा तय्यबा, वो मेरा जमीन है। वो क्या करती है? फरमाया, वो फैज की मुनकिर नहीं होती, उसके पास होता बहुत कुछ है। क्यों? प्यासी थी, बारिश हुई, काबिलतिल मा, उसने पानी जज़्ब कर लिया, उसके पास दलील है मिलाद की। तो क्या हुआ? अंबततिल कला वलुशबल कसीर, रब की दी हुई तौफीक से वही पानी खजूर अंगूर में जाहिर कर दिया। जब जज़्ब किया, H2O उसका फार्मूला था, वापस लौटाया तो हजारों फार्मूले थे, वही अंगूर में, वही खजूर में, वही खरबूज में, वही तरबूज में, वही आम में, वही अनार में, वही जड़ी बूटी में, वही सब्जी में। ये तो रब का फरमान है, अखरजना बिही, जो आसमान से उतारा उसी से हमने सब कुछ पैदा किया। तो आसमान से उतरा, जमीन ने जज्ब किया। ये जमीन मुनकिर जमीन नहीं, ये लोगों को बताती है कि वाकई बादल बरसा है, ये बताती है करम हुआ है, ये बताती है कि बाकी मुझ पर फजल हुआ है कि इसने उस पानी को आगे जज्ब करके इतने रूप दे दिए हैं, गली गली महल्ले महल्ले हर तरफ उसका जहूर हो गया है। इस वास्ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो कोई एतराज करेगा कि मिला कुछ नहीं, वो पहले अपने दिल की जमीन चेक करवाए किसी महकमा अर्जियात से कि उसकी जमीन की कैटेगरी कौन सी है। जो मेरा है वो तो मुनकर नहीं हो सकती, वो पानी को जज्ब करती है और जज्ब करके आगे जमाने का भला भी बड़ा करती है। दूसरी जमीन कौन सी है? ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की आमद का खुतबा है। मेरे आने से जो दूसरी किस्म की जमीनें हैं उनको फायदा क्या मिला? फरमाया, वो की आन है, जज्ब नहीं कर सकती, पथरीली जमीन है, मेरा नहीं है, लेकिन वो पानी से प्यार बड़ा करती है, पानी को रोकती है तो दामने कोहल में झील बन जाती है, तालाब बन जाता है। अब उसे कोई कहे कि बारिश नहीं बरसी, वो कहती है झूठे तुम, झूठ बोल रहे हो, बारिश बरसी है, अगर ना बरसी होती तो मेरे घर पानी क्यों होता, ये है पानी मेरे पास। शरबू व सकाओ व जराऊ, मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये जो झील में होता है पानी, इसका भी इंसानियत को फायदा होता है। पहला क्या? शरबू, खुद पीते हैं। दूसरा क्या? सकाओ, जानवरों को पिलाते हैं। तीसरा क्या? जराऊ, घड़े भर के अपने पौधों को भी सैराब कर लेते हैं। ये दो जमीनें, एक जज़ब करे और दूसरी रोक के रखे, इन दोनों के पास दलील है कि बारिश बरसी है, फजल हुआ है। तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मेरे कर्म की बरसात जो पूरी कायनात पे हुई है, उसके लिहाज से उम्मत के सीने दो तरह के हैं, एक है जज़्ब करने वाला और दूसरा है रोक के रखने वाला, और एक तीसरा भी है। अब कैटेगरी मैं ना बयान करूं, खुद समझ जाना वो तीसरा कौन सा है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वो सेम ज़दा जमीन है, सेम ज़दा शोर जमीन है, ना पानी को जज़्ब करती है ना रोक के रखती है,
ना वहां फूल ना कली, ना हौज ना तालाब, वहां पर सिर्फ और सिर्फ नाउमीदी है, वहां सिर्फ और सिर्फ बवेला है कि बारिश हुई नहीं, इसने दिया कुछ नहीं, होता तो मेरे पास भी बहुत कुछ होता। तो सरकार ने फरमाया क़यामत तक के लिए अगर कोई मेरी आमद के फैज का इनकार करे उसको पूछो अपने दिल की जमीन चेक कर ले, अगर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को तुझे खुशी मुजस्सर नहीं आई तो फिर सेम ज़दा सीना है, फिर उस बारिश का तो कोई कसूर नहीं, वो तो हर तरफ बरसी है, उसने टेढ़ी तकसीम नहीं की, उसने ये नहीं कहा कि एक घर छोड़ना एक घर पे होना है, वो सर तरफ हुई है आगे, जिसको कुछ नहीं महसूस होता वो फिर उस अपना उसका कसूर है, बारिश तो हो गई है, हाँ सेम ज़दा है, हाँ शोर जमीन है, उसको ना जज़ब करने का तरीका आता है ना रोक के रखने का तरीका आता है, महज इनकार है कि देते कुछ नहीं करते कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, और इस अंदाज के कि ईद नहीं है यौम सोग है मातम है, इस तरह की वो बात जमीन करती है। लेकिन जो दो तरह की जमीनें हैं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन पर हर दौर के अंदर फजल जाहिर होता रहेगा, जो कुछ मैं लेके आया हूं क्यामत आ जाएगी मेरा लाया हुआ खत्म नहीं होगा। अब मेरे भाइयों अगर इसी बात की 4 घंटे वजाहत करूं इन जमीनों पर तो बात यही बड़ी लंबी है, लेकिन मिसाल मिसाल है, खुद सोचते रहना, इसमें खुद तुम्हारी सोच भी परवाज करती रहेगी कि क्या वजह है कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को कुछ घरों में खुशी है कुछ में नहीं है, जबकि नबी आए तो हर तरफ बहार आई, सब पर फजल हुआ, आखिर ऐसा हो क्यों गया, उन्होंने टेढ़ी तकसीम नहीं की, आगे उनसे रवैया 2 तरह का या 3 तरह का, उसकी वजह क्या है।